और एक वो मेनली मेरे को प्रॉब्लम हुई थी इसमें, E6 एरर आता था वाटर प्रेशर का। और यहां से क्या रहता था, इसकी डोर से जब कभी मैं क्या करता हूँ, ये जो झाग इसका है डिटर्जेंट का, ये डोर से बाहर आने लग जाता था। तो वो क्यों होता था मैं बता दूं इसमें। मैटिक डिटर्जेंट क्या होता है, नॉर्मल और मैटिक में ये डिफरेंस होता है कि जो मैटिक डिटर्जेंट होता है वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। इसी वजह से आप देखना कभी अमेजोन वगैरह ऑनलाइन बाय करना, मैटिक दोनों मैटिक है, फ्रंट लोडेड है। तो फ्रेंड्स जब भी आप बाय करो तो ये चीज मत देखो कि फ्रंट लोडेड वाली है तो मैं टॉप लोडेड वाला यूज कर लूंगा, इवन आप टॉप लोडेड वाला यूज करो तो फ्रंट लोडेड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं मेरा यूजर एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं आपके साथ में। वीडियो में आप देख पा रहे हो मैं बॉस की वॉशिंग मशीन सीरीज 4 की बात कर रहा हूं, जो कि 7 kg की है। और ये मुझे लगभग 5 साल इसको कंप्लीट होने वाले हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में भी इसके वीडियो डाले थे, तो उसमें मेरी अनबॉक्सिंग थी, कुछ और मैंने चीजें बताई थी कैसे फिल्टर वगैरह साफ करने। अगर वो आप देखना चाहो तो मैं उसको आई बटन में डाल दूंगा, तो आप वहां से उसको चेकआउट कर सकते हो। तो आज मैं बनाने वाला हूँ एक्सपीरियंस रिव्यूज के साथ में। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, मैंने और भी वॉशिंग मशीन, मतलब मैंने तो नहीं बाय करी है, मैंने फ्रेंड्स वगैरह को बाय कराई है। तो लोगों ने सैमसंग बाय किया, एलजी बाय किया। तो दोस्तों मैं बता दूं इसमें और उसमें मेरे को क्या डिफरेंस मिला है। तो पहले बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज दोस्तों ये मुझे काफी ज्यादा सुपीरियर लगी है जो एलजी और सैमसंग बनाती हैं। मैं जो एलजी यूजर है उनको मना नहीं कर रहा हूं, पर मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। दोस्तों आप कभी भी ग्रॉस इसका नेट वेट चेक करना कि इस वॉशिंग मशीन का उस वॉशिंग, काफी डिफरेंस लगेगा सेम प्राइस में। अब लोगों का मानना तो यही रहता है जो चीज हैवी है वेटेड है तो वो ड्यूरेबल होगी, तो ये इसमें आगे विनर करती है। अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों इसकी ब्रांड वैल्यू पे। तो दोस्तों ब्रांड वैल्यू मुझे लगता है लोग बॉस को कम जानते हैं, और एलजी सैमसंग कस्टमर केयर उनका काफी अच्छा है, काफी तगड़ा है। तो हो सकता है बॉस को लोग ज्यादा प्रेफर ना करें, पर दोस्तों मैं बता दूं बॉस का अप्लायंसेस मैंने फर्स्ट टाइम बाय किया था और किसी की रिकमेंडेशन पे बाय किया था। तो मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने मेरे को बताया था कि भैया आप इसको या इसको खरीदो, तो ये काफी अच्छी है क्योंकि उन्होंने कंपनी में काम भी करा है, तो बोलते हैं इसका क्वालिटी कंट्रोल वगैरह काफी अच्छा है। तो उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया था, तो इसलिए मैं फिर बॉस पे गया। बाकी में मुझे ये चीज इसमें फील हुई कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी वगैरह है और जो इसकी यूजेबिलिटी है, इवन जो प्रोग्राम की सेटिंग है, मोड्स हैं, तो ये काफी मतलब रिसर्च बेस्ड पे बनाए गए हैं। मैं बता दूं दोस्तों, लोग बोलते हैं कि कपड़ों को 15-20 मिनट या 30 मिनट से या 50 मिनट से 1 घंटे तक आप इसमें लगे रहने देते हो। इवन अभी भी आप देख पा रहे हो 1 आवर 15 मिनट का टाइमर इसमें चल रहा है, तो इतनी देर तक कपड़े वॉश होते हैं तो उसकी क्वालिटी इफेक्टेड होती है। तो मैं स्टार्टिंग में ये चीज पढ़ा था, पर मैंने सोचा कि इसमें जितने भी मोड है फ्रेंड्स, केवल ये सुपर 13 मिनट्स का ये वाला मोड छोड़ के बाकी सभी मोड में आपको 45 मिनट एवरी टाइम लगता है। तो उन्होंने जो प्रोग्राम इसमें डाले, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा कि वो गलत है या कुछ डाला, तो मैं उसी मोड पे यूज करता हूं क्योंकि ऑटो सेट है सब, मैनुअल पे लगाना और टेम्परेचर वगैरह आप आरपीएम वगैरह सेट कर सकते हो, पर मैं एक्चुअली मैं वही डेली वॉश यूज करता हूं। तो अभी तक मुझे ऐसा कोई इश्यू लगा नहीं है कि कपड़ों के साथ में कि मतलब कपड़ों की क्वालिटी डिट्रॉयड होती जा रही है टाइम टू टाइम, कोई प्रॉब्लम ऐसी मुझे अभी तक नहीं लगी है इसमें। तो और दोस्तों मैं बता दूं, ये मेरा सीरीज 4 का 7 kg का वॉशिंग मशीन है। इवन मैंने इसमें काफी टाइम, काफी बार मैंने जो पूरा ब्लैंकेट के ब्लैंकेट मैंने इसमें वॉश किए हैं, तो वो प्रॉपर वॉश नहीं हो पाए हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम यह होती थी 7 kg का ड्रम है, इसमें मैं जबरदस्ती इसको घुसा दिया था तो बीच में पानी प्रॉपर पहुंचता नहीं था, तो वो आप नहीं धुल पाओगे। अगर छोटा कोई ब्लैंकेट है, सिंगल बेड का ब्लैंकेट है, तो आप धुल सकते हो। मैंने डबल बेड के ब्लैंकेट की बात कर रहा हूं, तो वो वॉश हो नहीं पाया था। तो अब इसके मैं बता दूं, इसका कस्टमर सपोर्ट बॉस का थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। इवन जब मैंने इसको इंस्टॉलेशन के लिए जब मैंने स्टार्टिंग बाय किया था तो 5 साल पहले, तो हो सकता है अब ये चीज यहां अवेलेबल हो मेरी लोकेशन पे। 5 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो जब यहां मैंने ऑनलाइन बाय किया था अमेजोन से, इसको इसकी कॉस्ट हुई 32-33 हजार रुपए कुछ थी, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उस टाइम मेरे इंस्टॉलेशन के लिए मैंने काफी बार कंप्लेंट करी, कॉल करी, पर आया नहीं था। तो ये एक मेरे को ड्रॉबैक लगा था बॉस का। और बाकी फिर मैंने इंजीनियर से बात करके उसने मेरे को इंस्ट्रक्शन दी, मैंने खुद से इंस्टॉल कर ली क्योंकि मेरे को यूज करनी थी ये। तो एक ये ड्रॉबैक लगा मेरे को और जो वॉशिंग मशीन है उनके कंपेरिजन में, और ब्रांड है जो, तो वो होपफुली आपको घर पे इंस्टॉलेशन प्रॉपर देते हैं, प्रॉपर गाइड करते हैं। तो इसमें मुझे किसी ने गाइड भी नहीं करा, मैंने खुद से प्रॉपर मैनुअल पढ़ा, मैनुअल भी काफी मोटा तगड़ा था, कई सारे मोड की वजह से उसमें कई सारी चीजें दे रखी थी, तो कई उसमें मैंने प्रॉपर सीख लिया है और कुछ चीजें मुझे लगता है मुझे अभी भी नहीं आती हैं इसमें।
और दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, मेरे कई सारे व्यूवर्स थे जो पुराने वीडियोस में लोगों कमेंट आए थे इस वॉशिंग मशीन के वीडियो पे, तो उसमें मैंने इसके उस पर वीडियो डाले थे, तो उसमें लोगों ने मेरे से पूछा हुआ था कि इसमें जो डाई वाला मोड है, यहाँ मैं फ्रेंड्स आपको दिखा दूं उसके कंपार्टमेंट में, तो ये कब भरे जाते हैं, इनको कैसे यूज करना है, तो उसका वीडियो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। तो फिलहाल ये मैं बताने वाला था एक्सपीरियंस इसका। तो ड्यूरेबिलिटी वाइज काफी तगड़ी है ये और बहुत बढ़िया काम करती है, 5 साल इसको होने वाली हैं फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मैंने जैसे यूज होती हैं वैसे यूज हो रही हैं, तो क्वालिटी वाइज तो काफी सही लग रही है, अभी तक चलती आई है तो आगे भी चलती रहेगी। और मैंने पुराने वीडियो में मगर इसके फिल्टर वगैरह जो प्रॉपर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इसको बोल सकते हैं आप, क्लीनिंग वगैरह इसके फिल्टर्स की कैसे कर सकते हो, तो मैंने ये एक वीडियो में बनाया था, अगर आप देखना चाहो तो मैं इसमें आई लिंक में इसकी बटन डाल दूंगा, आई लिंक में वो वीडियो की लिंक डाल दूंगा आई बटन में। तो यहाँ फ्रेंड्स यहाँ ही फिल्टर लगा रहता है अभी तो वर्किंग में नहीं, तो मैं आपको अभी दिखा देता प्रॉपर इसको ओपन करके। तो वहाँ एक पंप लगा हुआ है, यूजली क्या रहता है चीजें वही उसमें जाती हैं, जैसे आपके कॉइन्स वगैरह पड़े हुए हैं या चीज वगैरह है तो वहां कलेक्ट हो जाती है, तो आप उसको प्रॉपर वहां से रिमूव कर सकते हो, तो वो मैंने वीडियो बनाया हुआ है वहां से आप देखकर उसको कर सकते हो, तो उसको प्रॉपर मेंटेन करिए। और क्वालिटी वाइज काफी अच्छी, लोगों के रिव्यू कमेंट ऐसे भी थे कि इसका ड्रम डैमेज हो रहा है या कुछ डैमेज हो रहा है, तो दोस्तों मैं बता दूं आपकी वॉशिंग मशीन मतलब चलती जाएगी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले तो आप मैटिक डिटर्जेंट आप यूज करो, दोस्तों बता दूं मैटिक डिटर्जेंट क्या होता है, नॉर्मल और मैटिक में ये डिफरेंस होता है कि जो मैटिक डिटर्जेंट होता है वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी का होता है, इसी वजह से आप देखना कभी अमेजोन वगैरह ऑनलाइन बाय करना तो आपको काफी ज्यादा डिफरेंस मिलेगा, वही आपको जो सिंपल एरियल का या सर्फ एक्सल का डिटर्जेंट आप बाय करते हो तो वो 80 रुपए किलो या 90 हो सकता है 120-130 रुपए किलो मिल जाए, वहीं आप मैटिक की बात करते हो तो ऑलमोस्ट डबल आपको मिलता है, तो 250 रुपए किलो मिले या 220 रुपए किलो मिले, तो ये कॉस्ट में डिफरेंस पड़ जाता है। तो इसका दोस्तों आप ये मत सोचिए कि ये मतलब वॉशिंग मशीन आपने ऑटोमेटिक खरीद ली है तो आप ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हो, आपको महंगी मतलब डिटर्जेंट महंगा आ रहा है कुछ आ रहा है, फ्रेंड्स मैं बता दूं वो उतनी लेस क्वांटिटी में, वहीं आप अगर यूज करो, मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं अभी। तो हाँ फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला था, अभी मैं एरियल यूज कर रहा हूँ, पहले मैंने अभी 2 या 3 साल तक सर्फ एक्सल के मैटिक, दोनों मैटिक हैं फ्रंट लोडेड हैं, तो फ्रेंड्स जब भी आप बाय करो तो ये चीज मत देखो कि फ्रंट लोडेड वाली है तो मैं टॉप लोडेड वाला यूज कर लूँ, या इवन आप टॉप लोडेड वाला यूज करो तो फ्रंट लोडेड यूज कर लो, तो ऐसी कोई इशू नहीं है। आप जो वॉशिंग मशीन आप यूज कर रहे हो, मेरा फ्रंट लोडेड है तो दोनों मैंने आपने देख रखा होगा, दोनों में फ्रंट लोडेड लिखा हुआ है और ये भी फ्रंट लोडेड ही है, आप देख पा रहे हो जैसे कि। तो हाँ फ्रेंड्स मैं बता रहा था इसमें स्कूप दिया हुआ है, तो आप अगर क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज इसको यूज करोगे, इवन जैसे आप और जो नॉर्मल आप डिटर्जेंट यूज कर रहे हो तो मुझे लगता है एक बकेट या मतलब 5-6-8-10 जोड़ी कपड़ों में तो आप अच्छी खासी क्वांटिटी में आप वो डालोगे, वहीं मैं इसकी बात करूं तो आपको हाफ क्वांटिटी में इवन हाफ स्कूप में आप प्रॉपर कपड़े वॉश कर सकते हो और उससे ज्यादा मतलब क्वालिटी आपको क्लीनिंग में प्रॉपर आपको मिलेगी। तो ये मैटिक की काफी अच्छी खासियत होती है क्योंकि इसमें और ये कपड़े के जो फाइबर जो उसके कपड़ों की रेशे फाइबर्स होते हैं उनका भी काफी ज्यादा ख्याल लगता है। तो मैं आपको बोलूंगा, अब मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं एरियल सर्फ एक्सल है कुछ भी यूज करो, आप केवल मैटिक डिटर्जेंट ही आप यूज करो अपनी वॉशिंग मशीन के लिए, तो ये आपके कपड़ों का भी ख्याल लगता है, क्लीनिंग भी प्रॉपर होती है, और सबसे लास्ट बात आपकी ये जो लाइफ जो है इसकी वॉशिंग मशीन की ड्रम की, क्योंकि ड्रम ही मेनली रस्टेड होता है, उसकी लाइफ काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो मैं आपसे यही बोलना चाह रहा हूं आप मैटिक वाला ही यूज करें। तो यहां दोस्तों मैं मेरा एक्सपीरियंस बता दूं सर्फ एक्सल के साथ और एरियल के साथ, क्वालिटी वाइज दोनों अच्छे थे, तो पर एरियल में मुझे दोस्तों बता दूं इसमें जो एक फ्रेग्रेंस आता है वॉशिंग के बाद तो वो काफी अच्छा मतलब काफी अच्छा है, और सर्फ एक्सल मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। तो अगर आप बाय करना चाहो सर्फ एक्सल और एरियल में तो मैं आपको बोलूंगा एरियल बाय करिए, तो एरियल में कोई ज्यादा क्वालिटी वाइज दोनों सेम है पर वो जो फ्रेग्रेंस एट द एंड ऑफ द डे वो काफी प्रॉपर इसमें मिलता है। तो ये थी इसकी डिटर्जेंट की बात तो मैंने आपको बता दी है, तो इससे आपकी वॉशिंग मशीन लाइफ ऑब्वियसली बात काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और मैं आपको बता दूं जैसे ये मेरी फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन है, इवन आप टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हो तो उसका जो डिटर्जेंट है वो भी थोड़ा उसकी भी कॉस्ट कम आती है। अब आई डोंट नो व्हाई पर ऐसा मैंने जब मैं ऑनलाइन बाय कर रहा था तो मैंने कंपेयर करके देखा था तो उसका डिटर्जेंट काफी मतलब इससे थोड़ा सा चीप है उससे वो, तो मैंने सोचा था कि मैं उसके लिए वही वाला बाय कर लूं पर मैंने नहीं किया क्योंकि जो रिकमेंड कर रहे हैं भाई मेरी वॉशिंग मशीन है, मैंने 32-35 हजार रुपए इसमें खर्च किए हैं तो प्रॉपर लाइफ इसकी मेंटेन बनी रहे, तो इसलिए मैंने जो था वही उसके लिए बाय करा। तो मैं भी आपसे ही बोलना चाह रहा हूं जैसी भी आपकी वॉशिंग मशीन है
उसी अकॉर्डिंग बाय करें। इवन ये नहीं है कि आप 10-15 रुपए का जो 10 रुपए का सर्फ एक्सेल का छोटा सा पाउच आता है वो डाल के आप इसको चला रहे हो। तो दोस्तों ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम में डालने वाला है आपकी वॉशिंग मशीन को, तो इस चीज का विशेष ख्याल रखें। तो ये था इसका, और एक तो एक्सपीरियंस मैं बता दूं काफी अच्छा है मेरे साथ। आप मैं डेफिनेटली बाद में आपको बताता हूं कि इसको आप बाय कर सकते हो, कंपनी वाइज काफी अच्छी ब्रांड है ये, जर्मनी का जो ओरिजिन है इसका वो जर्मनी का है। तो बाकी सभी लोग मेरे फ्रेंड्स वगैरह आते तो काफी पूछते हैं इसके बारे में क्योंकि ये अलग है, सबसे अच्छी है और मैंने काफी टाइम से यूज कर रहा हूं। तो ये था कंप्लीट वीडियो दोस्तों, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और प्लीज मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूंगा। तो दोस्तों अगर और भी कोई क्वेरीज हो आपको इस वीडियो से रिलेटेड, इवन आपको और कुछ भी जानना हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो डेफिनेटली। और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा इसकी एक कंप्लीट, यहाँ जो मैंने इसके मैंने आपको बताया कि इसमें आप डाई कैसे साथ में यूज कर सकते हो, इवन फैब्रिक कंडीशनर कैसे आप साथ में यूज कर सकते हो, तो वो चीज मैं आपको क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। और अगली वीडियो में इसमें मैं लिक्विड डिटर्जेंट मंगाने वाला हूँ, वो यूज करके दिखाऊंगा उसकी क्या परफॉर्मेंस रहती है, वो भी मैं बता दूंगा। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मैं आपको बता दूं जैसे ये मेरी फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन है, इवन आप टॉप लोडेड वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हो तो उसका जो डिटर्जेंट है वो भी थोड़ा, उसकी भी कॉस्ट कम आती है। अब आई डोंट नो व्हाई, पर ऐसा मैंने जब मैं ऑनलाइन बाय कर रहा था तो मैंने कंपेयर करके देखा था तो उसका डिटर्जेंट काफी मतलब इससे थोड़ा सा चीप है उससे वो। तो मैंने सोचा था कि मैं उसके लिए वही वाला बाय कर लूं, पर मैंने नहीं किया क्योंकि जो रिकमेंड कर रहे हैं भाई, मेरी वॉशिंग मशीन है, मैंने 32-35 हजार रुपए इसमें खर्च किए हैं तो प्रॉपर लाइफ इसकी मेंटेन बनी रहे, तो इसलिए मैंने जो था वही उसके लिए बाय करा। तो मैं भी आपसे ही बोलना चाह रहा हूं जैसी भी आपकी वॉशिंग मशीन है उसी अकॉर्डिंग बाय करें। इवन ये नहीं है कि आप 10-15 रुपए का जो 10 रुपए का सर्फ एक्सेल का छोटा सा पाउच आता है वो डाल के आप इसको चला रहे हो। तो दोस्तों ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम में डालने वाला है आपकी वॉशिंग मशीन को, तो इस चीज का विशेष ख्याल रखें। तो ये था इसका, और एक तो एक्सपीरियंस मैं बता दूं काफी अच्छा है मेरे साथ। आप मैं डेफिनेटली बाद में आपको बताता हूं कि इसको आप बाय कर सकते हो, कंपनी वाइज काफी अच्छी ब्रांड है ये, जर्मनी का जो ओरिजिन है इसका वो जर्मनी का है। तो बाकी सभी लोग मेरे फ्रेंड्स वगैरह आते तो काफी पूछते हैं इसके बारे में क्योंकि ये अलग है, सबसे अच्छी है और मैंने काफी टाइम से यूज कर रहा हूं। तो ये था कंप्लीट वीडियो दोस्तों, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और प्लीज मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूंगा। तो दोस्तों अगर और भी कोई क्वेरीज हो आपको इस वीडियो से रिलेटेड, इवन आपको और कुछ भी जानना हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो डेफिनेटली। और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा इसकी एक कंप्लीट, यहाँ जो मैंने इसके मैंने आपको बताया कि इसमें आप डाई कैसे साथ में यूज कर सकते हो, इवन फैब्रिक कंडीशनर कैसे आप साथ में यूज कर सकते हो, तो वो चीज मैं आपको क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। और अगली वीडियो में इसमें मैं लिक्विड डिटर्जेंट मंगाने वाला हूँ, वो यूज करके दिखाऊंगा उसकी क्या परफॉर्मेंस रहती है, वो भी मैं बता दूंगा। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू।